नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए ब्लॉग में। और आज तारीख है 11 मई 2023। तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कल यानी कि GS पेपर 1 के एग्ज़ाम से एक दिन पहले मैंने क्या कुछ किया है या फिर कुछ किया भी है यानी। तो अभी तो शाम के 7 बजे हैं और मेरे पास फ़िलहाल एक ही फ़ोन है, तो ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी। लेकिन 7 बजे शाम के, शायद नहीं 7:30 बजे। तो आज दिन भर थोड़े बहुत मैंने IR के वीडियोस देखे हैं और बाकी 4 से 5 घंटे सोई हूँ। और अभी सोच रही हूँ कि बाकी काम कुछ करने से पहले या फिर खाना खाने से पहले थोड़ा बहुत हिस्ट्री रिवीजन कर लूँ, तो उसी की तैयारी है। और आगे जो कुछ भी करूँगी, अगर DI भी रिवाइज़ करने का सोचा है, थोड़ा बहुत क्वेश्चन देखूँगी जो सॉल्व किए हुए हैं बस उसी को, तो वही करने वाली हूँ। तो वीडियो में बने रहिए। और ये दिन मेरा कैसा गया उसका थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रो होगा, यानी 11 मई कैसे बीता है मेरा उसी का थोड़ा सा ये इंट्रो होगा। और बाकी आप आज क्या क्या रिवाइज़ किए हैं और कैसा गया आपका आज का दिन, वो कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। तो पहले मैं थोड़ा सा रूम टूर दे देती हूँ। तो ये है मेरा रूम जिसमें मैं फ़िलहाल रह रही हूँ, और यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है। अभी फ़िलहाल इस रूम में कोई था नहीं तो मैं ही यहाँ पे हूँ। मम्मी दूसरे कमरे में रहती हैं और ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। ये पेंटिंग है, ये किसी और रूम का एक्सेस है। और यहाँ पे एक टेबल है जिसपे कि मेरे 2 थैले रखे हुए हैं, और इधर कुछ कबर्ड है जो मेरे यूज़ का नहीं है। और यहाँ पे एक खिड़की है जो बाहर की ओर खुलती है, तो इसका खोलने का कोई औचित्य बनता नहीं है। तो ये छोटा सा रूम है जो मेरे यूज़ का है। यहाँ पे मेरी कुछ जो दवाई है वो रखा हुआ है, बाकी छोटे छोटे सामान। और प्यारा सा रूम है। और यहाँ पे राधा कृष्ण की मूर्ति, ये पेंटिंग या जो भी कहे इसे, फ्रेम लगा हुआ है। तो ये है रूम मेरा। और चलिए अब शुरू करते हैं। जो मुझे हिस्ट्री का रिविज़न करना था उसको मैं थोड़ा सा निकालती हूँ, क्योंकि ये अभी तक निकाला नहीं है मैंने, तो इसे भी थोड़ा सा रिवाइज़ करना ज़रूरी है। तो ये रहा दृष्टि का बुक जिसे कि मुझे अभी पढ़ना है, और थोड़ा सा DI का भी जो नोट्स है उसको भी मैं निकाल ही लेती हूँ। अगर सामने पड़ा रहेगा तो उसी बहाने कुछ देख भी लूँगी। और अब यहाँ पे मैं छत पे आ गई हूँ सामने थोड़ा सा वॉक के लिए। और ये रहा PG के सामने का नज़ारा। और ये जो गली दिख रही है इसे शायद एन पथ कहते हैं। और खूबसूरत नज़ारा था, ये सामने तारा भी दिख रहा था, आसमान थोड़ा सा साफ था दिल्ली के मुकाबले, तो अच्छा लगा। और उसके बाद थोड़ी देर बाद मैं नीचे चली गई क्योंकि नाश्ता वगैरह भी करना था, और मन हुआ थोड़ा बहुत कुछ देख भी लूँ, मतलब बुक्स वगैरह में कुछ टॉपिक्स पढ़ लूँ। और क्योंकि ये वॉइस ओवर मैं 12 तारीख के बाद कर रही हूँ, यानी पेपर होने के बाद कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि इस पढ़ाई का कोई वहाँ पे योगदान नहीं रहा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पेपर आया था उसके अनुसार एक रिलीजियस रीडिंग और रिलीजियस वाली प्रैक्टिस जो होती है वो ज़रूरी थी। खैर, पेपर की बात छोड़ते हैं। यहाँ पे रात में मैं फिर अपना खाना शुरू कर रही हूँ, और आज बहुत दिनों के बाद मैं कड़ी खाई हूँ, तो थोड़ी सी खुशी भी हो रही है। वहाँ पे सामने मम्मी मेरे लिए कुछ और बना रही थी। तो बस इसी तरह रहा मेरा दिन। और उसके बाद टेलीग्राम पे मुझे एडिटोरिया का ये कुछ PDF मिला, शायद मुझे लेट मिला या फिर उन्होंने लेट अपलोड ही किया था। तो उसके बाद थोड़ी देर ये देखी हूँ, ज़्यादा नहीं पढ़ी, बस एक ही रीडिंग लगाई हूँ। और इसमें 1935 का भारत शासन अधिनियम वगैरह दिया हुआ था, और क्वेश्चन में 1858 का अधिनियम पूछा हुआ था, तो इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो यही फ़ायदा होता है मॉक टेस्ट का। खैर, ये सारी चीज़ें हुई। और फिर उसके बाद मैं अपने पेन वगैरह चेक कर रही थी यहाँ पे, क्योंकि पेन सारे मेरे न्यू थे, पैक्ड थे, मैंने कुछ भी उनसे लिखा हुआ नहीं था। तो बस वही यहाँ पे मैं उसे चला के देख ले रही थी कि वहाँ पे जाके एकदम से नई स्टार्ट करूँ। तो मेरा पेपर तो अच्छा नहीं हुआ है, जिसे सही मायने में कहते हैं अच्छा नहीं हुआ है, वैसा ही रहा। आपका पेपर कैसा गया? तो अभी रात के 12 बज गए हैं और 12 मई हो चुका है, और सारे लोग सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही है।
लेकिन सोना तो पड़ेगा क्योंकि कल सुबह सुबह एग्ज़ाम के लिए निकलना है। तो इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हूँ आप सभी से अगले व्लॉग में। तब तक के लिए ख्याल रखें और सभी को कल के एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। बाय बाय, धन्यवाद।